हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चित्रा साइंस अब टुडे वी विल डिस्कस पार्ट टू ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीट्री मास स्पेक्ट्रोमीट्री से प्रोटीन सीक्वेंसिंग के मेथड को हम डीनोवो पेप्टाइड सीक्वेंसिंग मेथड कहते हैं डी नोवो पैप्टाइड सिकवेंसिंग मैथड वो मैथड है जिसमें हम पैप्टाइड सिक्वेंसिंग विदाउट एनी प्रायनोल पहले हमारे पास एसिड सिक्वेंस की किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम बिल्कुल न्यू सिक्वेंसिंग कर रहे हैं दैट इज़ डी नोवो पैप्टाइड सिक्वेंसिंग डी नोवो लेटिन वर्ड है जिसका मतलब ए न्यू एमिनो एसिड इस वाले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में छोटी छोटी पैप्टाइड्स यानी कि ट्वेंटी टू थर्टी एमिनो एसिड्स की पैप्टाइड्स की, की हम सिक्वेंसिंग करते हैं और जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ करते हैं हम उसे टेंडम एम कहते हैं और एम एस ओब्लीग एम टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं एक आयन सोर्स होगा दो एम होंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर एम एस आपके डिटेक्टर होंगे और एक आपकी कोलिजन सेल होगी है. सबसे पहले हम प्रोटीन सैंपल को प्योरीफाई करेंगे फिर हम एक प्रोटीस ट्रीटमेंट देंगे प्रोटीस एक एंजाइम है जो इसे छोटे छोटे पैप्टाइड्स में तोड़ेगा तोड़ने के बाद हम इन पैप्टाइड्स को क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग करेंगे और उसके बाद हम जो है इसे आयोनाइज़ करेंगे आयोनाइज़ में क्या है पैप्टाइड बैकबोन तोड़ी जाएगी और तोड़ने के बाद हमारे जो पेप्टाइड आयन्स जनरेट होंगे उनकी एम बाई जेड वैल्यू यानी कि मास अपॉन चार्ज वैल्यू हम निकालेंगे और एम बाई जेड वैल्यू निकालने के बाद उनमें से एक पेप्टाइड आयन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे फिर जो हमारा से, सेलेक्टेड पेप्टाइड है उसे फर्दर हम तोड़ते हैं इन कोलिजन सेल कोलिजन सेल में क्या है हम उसका कोलिजन कराते हैं विदे रेयर गैस जैसे कि आपका अर्गन है इस प्रोसेस को हम कोलिजन एक्टिवेटेड एसोसिएशन कहते हैं इस कोलिजन में क्या है जो अमाइड बॉन्ड है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं सी ओ एन एच ये बॉन्ड टूट जाता है लेकिन एक पेप्टाइड में एक ही बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद जैसे हमने यहाँ से ये तोड़ा है तो एक आयन हमें ये मिला एंड टर्मिनल पर जो आयन है इसे हमने बी आयन का है देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है और वाई टर्मिनल पे जो आयन का उसे हमने वाई आयन कहा है अब ये जो हमारे पास छोटे-छोटे फ्रेगमेंट बने ये देखिए एमएसमन के बाद हमने एक पेप्टाइड सेलेक्ट करी थी फिर गैस में कॉलिजन करा के इनके बहुत सारी पेप्टाइड तोड़ी यहाँ पर ये जो पेप्टाइड है ये एक नहीं है बहुत सारी एक ही टाइप की पेप्टाइड है ये जो एक पेप्टाइडिस के कई सारे सैंपल है और ये एक पेप्टाइड एक ही बॉन्ड तोड़ेगी यानी कि एक से हमें दो आयंस मिलेंगे तो इस तरह की बहुत सारी पेप्टाइड हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेप्टाइड फ्रेगमेंट आ गए अब इन सब की हमने एम जेड निकाली और एमएस स्पेक्ट्रम बनाया एम एस स्पेक्ट्रम में हर एक पेप्टाइड से एक एक पीक जो है जनरेट होती है अब इसमें देखिए हर सक्सेसिव पीक जैसे पहले पीक ये है इसके बाद ये पीक है हर सक्सेसिव पीक में एक एमिनो एसिड कम है हर सक्सेसिव पीक में एक अमीनो एसिड कम है उसके बाद क्या काम करते हैं हम इस एम एस स्पेक्ट्रम से जो हमारे प्रिकर्सर पेप्टाइड है उसकी सिक्वेंस हम लगाते हैं अरेंज करते हैं जैसे ये पहले दो है इसके बाद तीन है फिर हमने एक अमीनो यहाँ एक अमीनो एसिड और जोड़ के तीन की पेप्टाइड बन गई एक की ओर जोड़ के चार की बन गई और एक की ओर जोड़ के हमने पेप्टाइड बन गई ये एम बाई जेड वैल्यू के बेसिस पर है उसके बाद हम क्या करते हैं एम एस स्पेक्ट्रम मिल गया एम एस स्पेक्ट्रम जो है इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में डाल देगा कंप्यूटर जो है आपकी एक पेप्टाइड की सीक्वेंस बना देगा उसके बाद ये जो पेप्टाइड की सीक्वेंस है हम इसे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास प्रोटीन का डाटा बेस है उस डाटा बेस में अगर कोई सिकवेंस इससे मैच होती है सिक्वेंस में और उसका मोलिकुलर साइज इससे फिट बैठता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सिकवेंस इस प्रोटीन की करेक्ट सिकवेंस है This is all about protein sequences by mass spectrometry. Thank you.